केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की। थलसेना अध्यक्ष ने कहा, 2 दिन में जारी होगी भर्ती की अधिसूचना। युवाओं ने अग्निपथ योजना में 2 वर्ष की छूट देने के केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। कहा, पिछले 2 वर्ष से भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगा लाभ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम किया घोषित। भिवानी की अमीषा ने पहला, चरखी दादरी की सुनैना जींद की खुशी और कैथल की मंजू ने प्राप्त किया 2रा स्थान। और प्रदेश में 19 जून को प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर सिरसा के ऐलनाबाद, रानिया और डबवाली में जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। नशा, जल भराव और विकास बने चुनाव के मुख्य मुद्दे। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आयु में छूट केवल वर्ष 2022 की प्रस्तावित भर्ती में एक बार ही दी जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश सेवा करने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 2 वर्षों से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने के कारण बहुत से युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिल सका था। इसीलिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर सरकार ने अग्निवीरों को भर्ती की आयु सीमा इस बार 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्री ने युवाओं से अपील की है कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है, वे इसके लिए तैयारी शुरू करें। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूँ यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला, यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा व अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना में युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष में उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर संवेदनशील निर्णय लिया है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 की भर्ती के लिए प्रवेश आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय उन सभी युवाओं को एक अवसर प्रदान करेगा जो कोरोना महामारी के बावजूद भी भर्ती रैलियों में शामिल होने की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना 2 दिन में जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ कि भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के इस अवसर पर सम्मिलित हों। तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फ़ायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। जैसा मैंने आपको बताया, ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन
joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहां तक अग्निवीर्स का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन दिसंबर इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र में सैन्य सेवा अभ्यर्थियों की अग्निपथ योजना से जुड़ी शंकाओं का निराकरण किया और इस योजना के पीछे भारत सरकार की दूरदर्शिता से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं के हितों के प्रति अति संवेदनशील हैं और उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने का अभिनंदनीय निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि युवा साथियों, अवसरों का अनंत आकाश आपके समक्ष है, आगे बढ़िए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दीजिए। 46,000 अग्निवीर एक साल, उससे अगले साल फिर 46,000, हर साल 46,000 रखे जाएंगे। 4 साल का टेन्योर अगर हम रखते हैं तो उसको पहले साल 4,70,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी, चौथे साल जाके बढ़ते बढ़ते 6,92,000 हो जाएगी, तो औसतन 4 साल में लगभग 20 लाख रुपये उसको सैलरी से मिलेगा। बाकी फौज की सुविधाएं अलग है, जो आपको रहना खाना पीना सर्विस करना वो सारा अलग है, ट्रेनिंग वहाँ पे लगे 6 महीने की जो आपकी, फिर जब आपके 4 साल पूरे होते हैं तो 10 से 11 लाख रुपये तब लमसम 1 लाख से मिलेगा, तो 4 साल के बाद लगभग 30 लाख रुपया खाते में होगा। ऐसे ही 10वीं पास हो तो 12वीं का सर्टिफिकेट तब तक आपका हो जाएगा, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके कारण 12वीं है तो आपको जो मार्क्स उसके मिलते हैं अलग से तो आप उसकी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अग्निपथ योजना के तहत आने वाली भर्ती में 2 वर्ष की छूट देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे युवाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए अग्निपथ योजना में पहले वर्ष की भर्ती में 2 वर्ष की रियायत देते हुए अधिकतम आयु सीमा को 23 साल कर दिया है। देश के भावी अग्निवीरों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री का सहृदय आभार। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की अंबाला के युवाओं ने सराहना की है। युवाओं ने कहा कि ये योजना युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। युवाओं ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा इस योजना में आयु सीमा बढ़ाए जाने से लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने के फैसले का भी स्वागत किया। से लेकर पहले ये 21 तक था और अब 23 हो चुके हैं, जिसके अंदर जो युवा हैं हमारे देश के वो आर्मी के अंदर जा सकते हैं और उनकी मतलब वो 21 मतलब जब उनकी 4 साल की ट्रेनिंग या 6 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी फिर वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। अग्निपथ के बारे में जो है वो सरकार ने ये जो योजना चलाई है बहुत ही अच्छी चलाई है मोदी सरकार जी ने, इसमें जो आर्मी के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं और 23 की एज के बच्चे जो इसमें पार्ट ले सकते हैं। हाल ही में जो सरकार ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना बनाई है ये युवाओं के लिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि पहले सेना में 21 साल तक के युवा जो हैं भर्ती हो सकते थे लेकिन अब जो है 23 साल तक युवा जो है उसमें भर्ती हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद योजना है और काफ़ी लाभ जो है युवाओं से इसको मिल सकता है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, मगर इसकी आड़ में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तोड़फोड़ आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले नहीं हो सकते, सेना में तो अनुशासित लोग ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कुछ शरारती तत्व हैं जो हर समय मौके की तलाश में रहते हैं कि देश की शांति को किस तरह भंग किया जाए और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तोड़फोड़ करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, पूरी हिदायतें दी गई हैं और सारों की सूचियां बनाई जा रही हैं कि जो भी तोड़फोड़ करेगा उसको हम किसी हालत में बख्श नहीं सकते। आप धरना दीजिए, जुलूस निकालिए, प्रदर्शन करिए, आपका अधिकार प्रजातंत्र
लेकिन तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, आगजनी करना को हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के मामलों पर हमने निगाह बनाई हुई है। अभी मामलों में थोड़ी वृद्धि हुई है, मगर फिर भी हरियाणा में कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं। हमें हमने निगाह रखी हुई है, थोड़े से केसेस बड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मामला अभी नियंत्रण। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अप्रैल माह में हुई 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 73.18% रहा है। भिवानी बोर्ड अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह और बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा परिणाम में भिवानी के ईश्वरवाल की अमीषा ने 499 अंक अर्जित करके पहला स्थान प्राप्त किया है। चरखी दादरी के गांव भांडवा की सुनैना, जींद के उचाना मंडी की खुशी व कैथल के शीश मोर की मंजू ने 497 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान हासिल किया है। सोनीपत के हलालपुर की सुहानी, हिसार के बीटमड़ा की रीना, हिसार के मदनहेड़ी के लवकुश, हिसार के शिवनगर की हिमांशी व भिवानी जिला के गांव मंढाणा की हिमानी ने 496 अंक अर्जित करके तीसरा स्थान पाया है। 499 अंक लेकर के आसीमा श्री वेद प्रकाश जी और माता का नाम है सुनीता, ईश्वरवाल पब्लिक स्कूल ईश्वरवाल भिवानी की छात्रा प्रथम स्थान पर रही है। द्वितीय स्थान पर तीन छात्राएं रही हैं, सुनैना प्रयाग सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडवा चरखी दादरी 497 अंक प्राप्त किए। खुशी गीता विद्या मंदिर हाई स्कूल उचाना मंदिर जींद 497 अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रही, और इन्हीं में है मंजू सैनिक पब्लिक हाई स्कूल शीशमोर कैथल, तीनों छात्राओं ने 497 अंक प्राप्त किए, संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रही। विद्यार्थियों ने कहा कि उनका 10वीं कक्षा का परिणाम अच्छा आया है, जिसकी उन्हें काफी खुशी है। रिजल्ट आया था, हमें बहुत खुशी हुई है, सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए हमारी क्लास के। और 10वीं के रिजल्ट की बहुत टेंशन हो रही थी, अब मैम ने बताया कि अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए बहुत खुश है सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नीति आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मुख्य सचिव के सम्मेलन की अध्यक्षता की। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को इन्हें भारत के प्रेरणादायक जिले बनाने का प्रयास करना चाहिए और इस कार्यक्रम को ब्लॉक और शहरों तक विस्तारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा अधिकारियों को उनकी रचनात्मक सोच और नए विचारों के माध्यम से ध्यान देने योग्य परिवर्तन लाने के लिए आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और मोबाइल ऐप के जरिए शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत किया जा सकता है। 19 जून को प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर सिरसा जिले के ऐलनाबाद, रानिया और डबवाली में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह तोमर ने बताया कि डबवाली में 21 वार्ड के लगभग 39,000 मतदाता, रानिया में 15 वार्ड के लगभग 22,000, ऐलनाबाद में 17 वार्ड के लगभग 25,000 मतदाता चेयरमैन और नगर पार्षद को चुनेंगे। वहीं उम्मीदवार स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं। पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं ऐलनाबाद में 31 और रानिया में 23, जहां पे ये वोटिंग होगी। एक वोट चेयरमैन के लिए होगा और एक वोट वहाँ के संबंधित पार्षद के लिए होगा। तो 2 EVM की हर एक पोलिंग स्टेशन पे लगेगी। देखो जी, मुद्दे 2 तरीके के होते हैं, एक निजी डेवलपमेंट का है, एक शहरी डेवलपमेंट का है। निजी डेवलपमेंट में जो प्रोग्राम है वो जिस प्रकार से कि सरकार से जितनी स्कीमें आती हैं उनको लोगों तक पहुँचाना, सरकार के जितने डॉक्यूमेंट्स अटेंशन है उनको सही रखना, ठीक है। दूसरा है जो शहरी विकास है, शहरी विकास में मेन जो अलनाबादी समस्या है वो जल भराव की है, उसका यानी कि जल भराव के का समस्या को हल करना। विकास के मुद्दे, पानी का मुद्दा जी, जल निकासी, शहर के अंदर बरसात का पानी आने से जल भराव हो जाता है, जिस कारण बड़ी दुकानदारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर मैं चेयरमैन पर बनता हूँ तो ये सबसे पहले ये जल भराव वाला सही काम करवाने का काम करूँगा। यहाँ बड़ा हॉस्पिटल के लिए और स्टेडियम के लिए वो मुद्दे रहेंगे।
केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रेस वार्ता कर आगामी योग दिवस के विषय में जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कॉमन योग प्रोटोकॉल के साथ एक शॉर्ट फिल्म भी जारी की। उन्होंने बताया कि दुनिया में पहली बार 25 करोड़ लोग योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस बार की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है। ऑन द डे ऑफ 21 जून द पीपल ऑफ द वर्ल्ड observe International Day of Yoga. It gives me immense pleasure to address to you today with regards to the upcoming 8th International Day of Yoga. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, who led the inception of the International Day of Yoga, which has become an iconic occasion across the world, will join 15,000 people on the Mysuru Palace ground. The theme for this year's International Day of Yoga celebration is Yoga for Humanity, and it is expected that around 25 crore people will participate in various events doing yoga in unison towards better health and wellness for all. अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की। थल सेना अध्यक्ष ने कहा, दो दिन में जारी होगी भर्ती की अधिसूचना। युवाओं ने अग्निपथ योजना में 2 वर्ष की छूट देने के केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। कहा, पिछले 2 वर्ष से भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगा लाभ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम किया घोषित। भिवानी की अमीषा ने पहला, चरखी दादरी की सुनैना, जीन की खुशी और कैथल की मंजू ने प्राप्त किया दूसरा स्थान। और प्रदेश में 19 जून को प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर सिरसा के एलनाबाद, रानिया और डब्बावाली में जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। नशा, जल भराव और विकास बने चुनाव के मुख्य मुद्दे। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।